को नहीं था। जब वो भारत आया और भारत आने के पश्चात उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ पर एक स्पीच देता है, एक भाषण देता है इंग्लिश में कि आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन एनी थीप एंड बैगर इन इंडिया, कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया लेकिन पूरे भारत भ्रमण में मेरे लिए एक भी भिखारी और गरीब इस भारत में देखने को नहीं मिला। उसके बाद ये कहता है ना कोई यहाँ पर चोरी चकारी होती थी, ना लूटपाट होती है, ना किसी प्रकार से किसी पर छीना झपटी की बात आती है, ना कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। ऐसी समृद्ध गौरवशाली परंपरा को देख करके आज मैं गदगद हुआ। और जब ये बहुत अच्छे भारत के बारे में वो बखान कर रहा था तो बीच में अंग्रेज उठ करके बोलता है, क्या कह रहे हो ये भारत की तुम प्रशंसा करने के लिए भारत में करते तो फिर भी तुम्हारे लिए दंड मिल जाता, लेकिन तुम ब्रिटिश संसद में भारत की प्रशंसा कर रहे हो, वो तो तुम ब्रिटिशर्स हो इसलिए तुम्हें बख्शा जा रहा है, लेकिन नहीं कोई और होते तो इस प्रशंसा के बदले होते तुम्हारे लिए कुछ और भी किया जा सकता था। बोले सब सुन लिया, अब ये बताओ इतनी समृद्ध संस्कृति को विनाश करने के लिए क्या किया जाए, यदि तुम ये बताओगे तब तो तुम्हारे लिए यहाँ बोलना आवश्यक समझा जाएगा, नहीं है तो आप मुंह बंद करिए और जाइए यहाँ से। तो उसने कहा पहले समझ तो लो, मैं जो बता रहा हूँ जब तक उस चीज़ पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो उसको विनाश करने के लिए मैं कुछ बताऊँगा उस पर विश्वास कैसे करोगे। वो अलग टाइप से कहता था, आप भी कहते हो बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए, आप भी तो गाते हो ये वाली बात कि दोष को भी जानना आवश्यक होता है, दोषी बनने के लिए नहीं दोष को छोड़ने के लिए, इसलिए दोषों के बारे में भी पढ़ना जाता है। शास्त्रों में सिर्फ गुणों की बातें नहीं लिखी, दोषों की बातें भी लिखी, पांच पाप भी इसी में बढ़ने थे, चार कषाय भी इसमें बढ़ने थे, सात व्यसन भी इसी में बढ़ने थे। अब कोई कहे कि ये व्यसनों को बताने वाला शास्त्र है कि व्रतों को बताने वाला शास्त्र है, नहीं, दोषों को जब बताया जाएगा और जब दोषों को करने के बाद तुम अपने आप में उससे भयभीत महसूस करोगे तब तो उससे बचने का प्रयास करोगे, इसलिए दोषों को वो दोष रूप में बताना भी आवश्यक होता है। ऐसे वो बता रहा है कि भारत में ऐसी समृद्धशाली परंपरा है, इस पर शासन करना होगा तो तुम जिस लाठी के बलबूते पर उन पर शासन करने गए हो वहाँ भी कम लठेट नहीं है, सुन वहाँ भी कम लठेट नहीं है, मलखम भी खेलना उनको अच्छे से आता है और कुश्ती लड़ना भी उनको अच्छे से आता है, तुम जाओगे तो कभी भी मुखी खा जाओगे। जब ऐसे भारत की सुदृढ़ व्यवस्था को बताया तो जब अंग्रेजों के मन में भय पैदा हो गया तो उसी लॉर्ड मैकॉले से पूछते हैं कि तुम बताओ इस भारत पर शासन हमेशा के लिए कैसे किया जाए। बोले हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी तुम्हें बखान कर रहा तो तुम्हारे लिए लग रहा था कि हम भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, अब तुम्हें लगने लग गया कि भारत की प्रशंसा मात्र आधारहीन नहीं है, आधार सहित है, तो उस भारत को निराधार कैसे किया जाए। सुन रहे हो आप लोग, इसलिए मत सुनना कि तुम आजाद भारत में पैदा हुए हो, इसलिए सुनना तुम्हें आजादी के खुले माहौल में श्वास लगाने लायक बनाने के लिए किन लोगों ने अपनी श्वास को छोड़ा है, किन लोगों ने अपने पेट काट करके इस आजादी की अलग को बनाए रखा है, किन लोगों ने हथकड़ियों बेड़ियों और जेल की सलाखों के पीछे भेज अपने आप को भेज करके भी तुम्हें आजाद करने की संकल्प ले डाली थी, उन सबको याद करने के लिए यहां बात कही जा रही है। अरे तुम तो सिर्फ मात्र 15 अगस्त को एक ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ये गीत गा करके और झंडा रोहण करके अपने आप को इतिश्री मान लेते हो, कितने लोगों ने इस वतन को ऐसा वेतन दिया कि इस रतन को पाने के लिए अनेक चेतन ने अपने आप को नर्तन करने में भी बहुत सौभाग्य माना, ये नर्तन पाकर के भी नर्तन करते रहे उस समय लोग, नर्तन समझते हो, मनुष्य कुल पाकर के भी कई लोग वहां पर नाचते थे, क्यों नाचते थे, उनके कानून ही ऐसे थे जो ढपली बजवाते थे और तार पर नाच करने के लिए मजबूर करते थे।
अब जब इतना गौरवमय इतिहास देख लिया तो लॉर्ड मैकॉले बोलता है, सुनो यदि उस भारत पर तुम्हें शासन करना है तो तुम जिस हथकंडे को अपना रहे हो एक दिन हथकड़ी पहन करके वापस आ जाओगे। बोले क्या बोलता? बोले ठीक बोल रहा हूं। तो फिर कैसे किया जाए? सबसे पहले ऐसी समृद्ध संस्कृति की जो रीढ़ है उस रीढ़ को तोड़ दिया जाए। बताओ कितना भी बड़ा पहलवान हो यदि स्लिप डिस हो जाए तो फिर वो कुश्ती के अखाड़े में अपने आप को नहीं दिखाता, वो तो डनलप के गद्दे पर ही अपने आप को पता पाता। क्यों? स्लिप डिस हो जाएगी। स्लिप डिस समझते हो क्या होता है? रीढ़ के हड्डी के जो क्या बोलते गुड़िया, आपकी भाषा में गुड़िया जब खिसक जाते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान भी धराशायी हो जाते हैं। ऐसे ही ये बहुत बड़ा पहलवान है भारत, इसको तुम धराशायी कर नहीं पाओगे, इसको चारों खाने से तुम कर नहीं पाओगे, तो फिर क्या करें? इसकी बस स्लिप डिस करा दो। तो कैसे कराएं? पहले रीढ़ में समझो कितनी गुड़िया हैं इसके, पहले गिनो L4 L5। भैया जी के चेहरे मुस्कान आ गई, कुछ अनुभव उनके पास हैं जिस कारण से, क्योंकि उनको मालूम है, बताएंगे कभी उनके बारे में, कभी बताएंगे, अभी तो अपन भारत की बात कर ले। तो लंबर में हुआ है कि और ऊपर हुआ है कि कहीं और हुआ है? तो बस उनने पकड़ लिया, बस सिर्फ दो गुड़िया खिसका दो सब ठीक काम हो जाएगा तुम्हारा। कौन सी गुड़िया हैं वो? बस दो आपके लिए जो स्लिप डिस्क हैं वो स्लिप करानी है, एक यहाँ की शिक्षा और एक यहाँ की भाषा। बस इन दो को तुमने यदि अपने काबिज में ले लिया तो पूरा भारत आपके काबिज में आ चुका होगा। कैसे? इनको जो अपनी भाषा के प्रति गौरव है, और भाषा के प्रति गौरव इसलिए है कि भारत में 400 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इतनी विविध भाषाओं का अनेकता में एकता का जो अपने आप में परिचय देने वाली परंपरा है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की भाषा को सम्मान और भारतीय भाषा को उत्थान के रूप में देख के चलते हैं, इसलिए शायद एक दूसरे की भाषा को अलग अलग होकर के भी जीते रहते हैं और पाते रहते हैं। और एक इनकी शिक्षा, गुरुकुल पद्धति से होने वाली शिक्षा जो इनकी रीढ़ का सबसे बड़ा आधार है, और ऐसे कि गुरुकुलों की स्ट्रेंथ यदि आप देखोगे तो एक एक गुरुकुल में 2000 से लेकर के 20-20 हजार विद्यार्थी पढ़ा करते हैं, और पढ़ाने के लिए 1000-2000 शिक्षक अध्यापक नहीं होते, 4-5 शिक्षक मात्र ही 20-20 हजार विद्यार्थियों को पढ़ा दे देते हैं। तो किसी ने शायद पूछ लिया होगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कोटा फैक्ट्री चलती हो वहां पर? कोटा फैक्ट्री समझते हो आप लोग, जिस कोटा में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं IIT JEE और नीट की तैयारी करने के लिए, वहां पर भी ऐसे ही होता है। माइक के माध्यम से इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं, हजार हजार 2000-2000 विद्यार्थी एक बार पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने, क्या समझ रहे हैं भगवान जाने, माता पिता ये जान रहे हैं कि हमारा बच्चा कोटा जाएगा, वहाँ अच्छा पढ़कर आएगा, अच्छी IIT में प्रवेश ले लेगा, उसके बाद अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, फिर अच्छी कंपनी की सेवा करने के लिए विदेश पहुंच जाएगा और कभी लौट करके नहीं आएगा। करते कि नहीं करते ऐसा? अरे अपने बच्चों से तुम्हारे लिए इतना ही अपने आप में अत्याचार करने का भाव है तो हाँ, और क्या अत्याचार नहीं तो क्या है? अपने बच्चों को अपने से दूर करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जन्म देने के बाद ही फेंक आते किसी कचरे के डिब्बे में? महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने इतने मन लगा के पाला, पहले पेट में पाला, फिर गोद में पाला, फिर अपने घर में पाला, और आप बोलो कचरे के डिब्बे में? अरे कचरे तो कर डाला। यदि तुम्हारे बच्चे के दिमाग में कचरा नहीं होता तो गोद का पाला हुआ वो लाला आज तुम्हारी गोद में बैठा होता। कचरा भर दिया, क्यों? तुमने उसको कचरे के डिब्बे में पटक दिया, तब तो उस कचरे को आज तक नहीं निकाल पा रहा है वो लाला। कि माता पिता कैसे भी हो पैसा तो भेज देता है, भावनाएं नहीं भेज पाता।
अरे भोजन तो जोमेटो स्विगी भी भेज देते हैं, लेकिन माँ के हाथ का भोजन सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जो भाग्यवान होते हैं। अभागों के लिए तो जोमेटो स्विगी लग गए, अभागों के लिए तो होम डिलीवरी होने लग गई। हाँ सही बात है, जिनकी डिलीवरी होम में नहीं हुई उनके लिए होम डिलीवरी होगी, अस्पतालों में डिलीवरी होती है, घर पे होती तो बात अलग थी, अब उनके लिए होम डिलीवरी होगी। ऐसे अभागे सपूतों के लिए तुम बड़े फक्र करते हो, हमारा बेटा स्विट्जरलैंड में है। अब आपको बता दें इस स्विट्जरलैंड की एक संस्कृति के बारे में, आपको एक मिनट में बता देता हूँ। आपके यहाँ तो संस्कृति ऐसी जो हम बता रहे हैं वो बताएंगे आगे भी, वहाँ पर एक ऐसी कल्चर चलती है कि वहाँ पर सुसाइड सेंटर खुल गए हैं। हाँ, सुविधाओं के साथ, आपने अस्पताल सुने होंगे सुविधाओं युक्त, जेल भी सुनी होगी सुविधा युक्त, तिहाड़ जेल, एसी वाली जेल हो सकती है, अस्पताल, अदालत, थाने, सब सुविधा युक्त सुने होंगे, लेकिन आत्महत्या करने के लिए भी सुविधाएं दी जाने लग गई। हाँ, पैसा दे करके लोग आत्महत्या करते हैं। सब प्रकार की सुविधाएं हैं, नदी में डूबने की भी हैं, आग में जलने की भी हैं, सूल पर चढ़ने की भी हैं, फांसी पर लटकने की भी हैं, जहर खाने की भी हैं, साइनाइड खाने की भी हैं, और कुछ हुआ तो आपके लिए मर्म स्थानों पर ठोकर लगा करके तुरंत आप चले जाओ, ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं। ये स्विट्जरलैंड में खुल चुका है, सुन रहे हो, कितना विकसित हो चुका है स्विट्जरलैंड। जन्म तो जन्म, मरण के लिए भी सुविधाएं मिलने लग गई हैं। ऐसे देशों में भेज करके तुम बिल्कुल बेफिक्र हो गए अपने बच्चों के प्रति। फक्र करो जिनके माता पिता बच्चों के पास हैं, नहीं जिनके बच्चे माता पिता के पास हैं। अरे बच्चों के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े, तुम अपने बच्चों के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे उस व्यामोह को छोड़कर के तुम्हारे मुंगावली में आ जाएं, बहुत बड़ी बात। ऐसे ऐसे उदाहरण हम आपको बताएंगे। एक सीए है जिसने बहुत कम समय में सीए बना लिया अपने आप को, और एक बड़ी कंपनी ने लोहावना पैकेज दे करके उसके लिए हायर कर लिया। टैलेंटेड तो था ही, लेकिन जिसका टैलेंट सिर्फ मात्र आपकी मार्कशीट में नहीं दिखता। अरे मार्कशीट में दिखने वाला टैलेंट कोई बड़ी बात नहीं, मातृभूमि में दिखने वाला टैलेंट बहुत बड़ी बात होती है। और वो सीए करोड़ों के लुहावने पैकेज को छोड़ करके अपने घर वापस आया और अपनी पुस्तैनी दुकान, किराने की दुकान पर बैठ करके अपने आप की मिल्कियत को पा गया। सुन रहे हो, सीए बनने के बाद किराने की दुकान चलाना, आप सोचोगे बुद्धि फिर गई होगी। कोई बेटी इस सीए को अपना बेटा, कोई बेटी वाले इस सीए को अपना बेटी नहीं देगी, ऐसे सोचोगे ना, क्योंकि तुम सिर्फ बेटी पाने के लिए अपने बेटे को घर से बाहर कर देते हो। अरे तुम ऐसी कलिहारी बेटी ले आते, वो बिना पढ़ाए भी अपने तुम्हारे बेटे को घर से बाहर ले जाती। होता ना, किसी ही के कलहारे नारी कैर व्यारी संभाई, आप लोग गाते वारे भावना में। अरे एक आध कलिहारी बेटी ले आते, बिना पढ़ाए भी तुम्हारे बेटे को घर से बाहर ले जाती। अब तुमने पहले बच्चे को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी बहू लाने के लिए घर के बाहर कर दिया, पहले से ही बाहर कर दिया, बाद में बाहर करेगी, इससे अच्छा हमने पहले ही बाहर कहाँ भेज दिया, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सुन रहे हो ना, इतनी तुम्हारे लिए बेरहमी थी अपने बच्चे से तो पहले बोल देते, इससे तो वो माता पिता अच्छे जिनको सिर्फ एक ही दंश है कि हमारे बच्चे नहीं हुए, उन माता पिताओं के हम क्या कहें जिनके बच्चे भी हुए लेकिन एक भी अच्छे नहीं हुए। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ मात ये फितूर तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, तुम्हारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए और तुम्हारी मुंगावली भी सोने की चिड़िया बन जाए।
बहुत फक्र करते हो। बुरी लग रही है ना बात आप लोगों को? नहीं लग रही? अरे हम बुरी लगाने के लिए बोले, हमें मेहनत खराब कर रहे हैं तुम लोग। लग तो जाए बुरी, बुरी लगना चाहिए। अरे इतना दिमाग चला रहा है, इतना कठिन सुखा रहा है, बुरा लगाने के लिए तुम बोले नहीं अच्छी लग रही है। सो के सुन रहे क्या हमारी बात को? जाग के सुनो। सिर्फ इसीलिए तो भेजते हो ना कि कोई बाप अपनी बेटी को हमारे बेटे से ब्याह दे, इसलिए भेज देते हो तुम। वहां पर उस बाप ने अपनी बेटी को अपने से जुदा किया, और यहां पर एक बाप ने अपने बेटे को खुद से अपने बेटे को जुदा कर दिया। दोनों संतान वाले होकर के भी निसंतान के रूप में जी रहे हैं। सुन रहे हो? अरे निसंतान होना इतना अपने आप में गलत बात नहीं, पुण्यहीन होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन धर्महीन होना बहुत गलत बात है। क्योंकि पुण्यहीन हो, धर्मवान यदि बन गए तो पुण्यवान बन जाओगे, लेकिन पुण्यवान हो, धर्महीन हो गए तो पुण्यहीन हो जाओगे। महाराज हम कौन से धर्महीन हो रहे? अच्छे से कर तो रहे हैं। क्या यही धर्म है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का धर्म हमारे लिए सिखाया गया? वसुधा को कुटुंब बनाने की बात हम करके गए और हमारे कुटुंब के पास वसुधा ही नहीं बची। ये धर्महीन होना नहीं तो और क्या है? और ऐसे ही स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत फक्र महसूस करते हैं, जब पर्यूषण पर्व लगेंगे और वहां पर वो एग्जाम कराए। सुन रहे हो? आज बात आ गई है तो सारे कमेटियों वालों को मैं बोल देता हूं, ऐसे स्कूलों के जिनके यदि एग्जाम पर्यूषण पर्व होने की डेट यदि आ गई हो तो सारे समाज के बच्चों को वहां से निकलवा लेना, या फिर ऐसे स्कूलों को पहले से बोल के आ देना कि हमारे जब पर्व चल रहे हो तो खबरदार तुमने यदि परीक्षाएं कराई, और परीक्षाएं कराई तो सामूहिक रूप से बायकॉट हमारे समाज के बच्चे करेंगे। क्यों? क्या हो गया? हाथों में लकवा हो गया क्या? है साहस? है साहस बताओ? ऐसा कर पाओगे? यदि ऐसा कर पाए तब जाके समझना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में रह पाएंगे। अभी तो छोटे छोटे बच्चे केजी वन नर्सरी के बच्चों की एग्जाम वो कराएंगे उसी समय, क्योंकि उनको ऐसी हिदायत दी गई है ऊपर से। मिशनरीज यही काम करने में लगी हैं कि इनको इनके धर्म से वंचित कर दिया जाए। वो अंग्रेज तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर्फ मात अर्थोपार्जन के तरीके बदल पाते थे, धर्म नहीं बदल पाते थे। आज तुम्हारा अर्थोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है और धर्मोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है।